السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الحمد لله
किबरियाई बड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही रकू दिलायक सुजूद दिलायक इबादत दिलायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात है दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया रश्के सुबह मसा आबशारे ज़िया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम दी ज़ाते अक़दस व अतहर व आला और बाला वास्ते हैं। हज़रात मोहतरम कुरान पाक दा जो मुकाम में तिलावत कीता है अल्लाह ताला ने ज्यादा गुमान करन तो मना फरमाया। और फरमाया जो बंदा ज्यादा गुमान करन लग जाता है तो फिर वह रस्ते तो हटन लग जाता है और दूसरे मुकाम ते फरमाया कि ज्यादा गुमान न करो कि कई गुमान इंज दे होंदे ने कि गुनाह शामिल हो जाते किसी दे बारे बुरी सोच रखना भी गुनाह है कि बंदा ना हाथ चला रहा है ना पैर चला रहा है ना जुबान चला रहा है लेकिन महाज किसी के बारे बुरी सोच रख रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात तो भी मना फरमाया। शैतान इंसान दा अजली दुश्मन है। जदों अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उदों ही कह दिता कि एदे कोलों बचना है ये तेरा दुश्मन है ते बड़े मामलात और गुनाह इंजदे ने जिन्हां दा आगाज नफरत तो हुंदा है कि इंसान किसी नाल नफरत करन लग जांदा है ते फिर गुनाहां दा आगाज शुरू हो जांदा है और नफरतां दियां कई एक वजूहात ने। इंसान किसी नाल किसी भी वजह तो नफरत कर सकता है कई एक वजूहात हो सकदियां ने उन्हां वजूहात दे विचों एक वजह नफरत करन दी ये भी बन जाती है कि बाज़ औक़ात इंसान गलत फहमी दे अंदर मुबतला हो जाता है। असल बात कुछ होर हुंदी है इदा फहम गलत हो जाता है सोच गलत हो जाती है या इदे तक गल को होर पहुँचती है असल गल को जो होर होती है गलत फहमी पैदा हो जाती है तो इंसान नफरत करना शुरू कर देता है। और ये मामला इस तरह का है कि इस मामले के अंदर बाअमल भी विच ही मौजूद ने बेअमल भी विच ही मौजूद ने। नमाजियां दा नमाजियां बारे गुमान अच्छा नहीं इमाम दा मुक्तदियां दे बारे गुमान अच्छा नहीं या मुक्तदियां दा इमाम दे बारे गुमान अच्छा नहीं। कोई उड़दी गल खबर आई वे मौलवी फलाना काम करदा है अच्छा बस दिल विच एक बीज पै गया नफरत दा या किसी इमाम मस्जिद नूं गल कीती फलाना जिहड़ा बजुर्ग है फलाना फलाना ऐब उहदे अंदर मौजूद है होवे या ना होवे उह नफरत दा एक बीज दिल विच पै गया उत्थों नफरत दा आगाज होना शुरू हो गया। हकीकत ते हाल को जोर हुंदी है इंसान को जोर समझ जांदा है और ये गलत फहमी इस कदर बुरी चीज है कि बड़े बड़े गुलशन और बड़े बड़े कार इस गलत फहमी की वजह तो तबाह हो गए और बड़िया बड़िया जंगा दे मगर सिर्फ एक गलत फहमी नजर आती है बड़िया बड़िया तलाकों के मगर सिर्फ एक गलत फहमी नजर आती है बड़े बड़े रिश्ते जेरे टूट चुके
खोदिया जांदा है, कुरीदिया जांदा है, पता लगता है कि गल कोई भी नहीं सी, एवें ही बस दिल विच गल बह गई। ओ गलत फहमी दिल विच ऐसी पई कि दस दस साल हो गए भरावां भरावां नूं ही ना बुलाया, कि गलत फहमी ऐसी दिल विच पई कि बाप बेटे नाल नफरत करन लग पिया, बेटा बाप नाल नफरत करन लग पिया। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जिन्हें हर मामले दे अंदर साड़ी रहनुमाई फरमाई है, ते इस मामले दे अंदर भी इस्लाम ने रहनुमाई कीती है कि गलत फहमी का शिकार होना, गलत फहमी का शिकार नहीं होना किसी के बारे, किसी के बारे को बुरा गुमान अपने दिल में रखना नहीं, किसी के बारे बुरी सोच अपने दिल में नहीं रखनी। ये इंसान है ते शैतान, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया शैतान इंसान दे जिस्म विच इंज हरकत करदा है जिवें खून दौड़दा है इंसान दे अंदर, एवें शैतान हरकत करदा है। अपनी ईमानदारी नाल दसो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमी पै जाए तो रिश्ता टुर सकदा है? और बोलो तो सही यार, बोलते ही नहीं। यारां दोस्तां विच गलत फहमी आ जाए तो यारी दोस्ती चल सकती है? जे इमाम और मुक्तदी दे दरमियान गलत फहमी आ जाए तो ताल्लुक बेहतर हो सकता? ये बड़े मामला इन देने, इको ही नमाजी खलोंदा है, वो कहंदा है इमाम साहब तो सुनता ही नहीं पढ़ते। एक छोटी जी मिसाल है, यह गलत फहमी है। मुमकिन है वह बंदा घर जाके पढ़ता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर पढ़न का ज्यादा अजर, घर पढ़न का ज्यादा सवाब है, लेकिन अपने दिल में खाम खा गलत फहमी पा लेनी, मेरे सामने तो नहीं पढ़िया, तेरे सामने पढ़निया जरूरी ने? ओदा अमल ओदे नाल है। और इस बेस दे उते, इस मामले दे उते इन्हां गलत फहमिया की बुनियाद से कई इमाम मस्जिद ने जिन्होंने छुट्टी करा दी जाती है, नहीं जी साडा नहीं बनता, गल पिछे कुछ होर नहीं होंगी, गलत फहमी होंगी। साडा ज़हन ही मुआशरे का इंज दा बन गया, असीं किसी के बारे चंगी सोच रखने वास्ते तैयार ही कोई नहीं। कोई बीवी नूं भी लैके जांदा होए परदे दे अंदर ते सोचदे ने पता नहीं किहदे नाल जांदा है पिया, नैगेटिव माइंड हो गया ना, सोच सोच के बुरियां गल्लां ते आपां उत्थे आके खलो गए हां जिथे चंगी सोच सोच ही नहीं सकते। गल निक्की जिही हुंदी ए, उहनूं वधा 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 जंग खलो जांदी। ते हर इंसान दा फर्ज बनदा कि किसे चंगे बंदे बारे, नेक बंदे बारे, मुत्तकी बंदे बारे, परहेजगार बंदे दे बारे को गल पहुंचे ते बजाए इस दे कि उन्हों अपने दिल अंदर जगह लवे, उस गलत फहमी नू खत्म करना चाहिए। मिलो, बैठो, गुफ्तगू करो, गलबात करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर इस बात का ऐलान किया और नबी पाक अलैहि सलातो सलाम आपने भी और आपके सहाबा किराम ने भी आपस अंदर गलत फहमियां पैन दितियां। ये ताल्लुक तां ही अज तक चलते पे आते हैं, अज तक किताबां विच लिखे ने कि गलत फहमियां गल्लां होंदियां सन, लेकिन किवें गलत फहमियां मुकदियां सन ते किवें उन्होंने गलत फहमी का खात्मा किया ते अपनियां जिंदगियां नूं पुरसकून बनाया। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे बारे मेरे हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे समेत तुहानूं सारयां नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम है दुरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल अदब नाल ज़ौक नाल शौक नाल ते सारियां पढ़ना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मनसूब गई से वरफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक
منصوب گئی سے ورفعنا لک ذکر و جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے جس پر ہی نظر لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن اعلان پیا کردا ہے فرمایا یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون فرمایا کائنات دے لوگو اپنے دل وچ غلط وسوسے نہ پیدا کریا کر پہلے تے اپنے دل وچ غلط فہمیاں پیدا کردا ہے پھر یتبعونا پھر اتباع کرن لگ جاندا ہے کو خبر ملدی ہے دل وچ وسا لیندا ہے پھر اس خبر دی بنیاد تے نفرت کرن لگ جاندا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا فرمایا ایمان والیو کلمہ پڑھن والیو مسلمانو زیادہ گمان نہ کریا کر زیادہ سوچا نہ سوچیا کر زیادہ ٹو نہ لگایا کر زیادہ جسوسیاں نہ کریا کر اللہ اکبر اللہ جدو غلط فہمی پیدا ہو جائے نہ بندے دے دل اندر تے کیویں معاملہ خراب کر دیئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ملنے واسطے تشریف لے کے آئیاں نبی پاک نے گفتگو فرمائی ام سلمہ نال تے آپ فرماندے نے ام سلمہ وقت بڑا ہو گیا ہے تے میں آپ جانا واں تینوں حجرے تک چھوڑا نا واں تینوں تیری جگہ تک مکان تک چھوڑ کے آنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹر پے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار چوں جا رہے نے تے جاندیاں جاندیاں میرے پیغمبر نے ویکھیا دو بندے نبی پاک دے صحابی دو یار نبی پاک دے او ایک جگہ تے رستے دے اندر کھڑے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں ام سلمہ نو آکھیا تسی ذرا ایتھے سائیڈ تے رک جا آپ نے اپنی بیوی نو اتھے جناب سائیڈ تے گلی دے کنارے تے دیوار نال کھڑا کیتا تے نبی پاک آ گئے انہاں دوواں صحابیاں کولو تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیلیو اے جڑی میرے نال عورت اے ہور کوئی نہیں میں محمد دی بیوی اے صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے محبوبا کیویں دیاں گلاں کردے ہو اللہ وی پاک اے تے ساڈا نبی وی پاک اے بھلا اسی اپنے نبی دے بارے غلط کیویں سوچ سکنے آ نبی دے بارے غلط سوچ کیویں رکھ سکنے آ تے نبی پاک فرماندے نے بیلیو شیطان بندے دے وچ انج ٹردا اے جویں بندے دا خون دوڑدا اے ممکن اے میں اپنی بیوی نال ٹر جاندا تواڈے دل وچ گلاں دی پتہ نہیں کیدے نال جاندے پے سن اے
असल मामला, बस किसी नूं वेख लिया है ना, बस वो रह नहीं सकता साडे विचों। चुप करन वाली ते गल ही कोई नहीं ना, पूरे महल दियां खबरां दा पता है, फलाना सैनमे जांदा है, फलाना फलाने टाइम फलाने यारां दोस्तां नाल शराब पी जांदा है, फलाना फलाने नाल फलाना, सारियां दियां खबरां रखी फिरदा है ते अपने दिल विच हर बंदे दे बारे नफरत पाली फिरदा। वेख नबी पाक अली सलातो सलाम ने अपने बेलियां नूं गलत फहमी दा शिकार होण दित्ता, किड्डा अच्छा तरीका है नबी पाक अली सलातो सलाम दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हजरत मोहतरम, मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद जी कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है, फरमाया इत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन्हुम इल्ला यखरुसून, फरमाया कायनात दे लोगो ऐ ज्यादा गुमान ना करिया कर, गलत फहमियां दा शिकार ना होया कर, किसे दे बारे एवें ही ना सोच बना लिया कर, फलाना ते है इंजदा, फलाना ते है इंजदा, ना 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 ना, गलत फहमियां नहीं पालनियां चाहीदियां। दूसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दी, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम सही मुस्लिम दे अंदर आंदा है, मां जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम रात दा वक्त ते वक्त पे गुजारदे ने, ते नराब रात जदों अद्धी रात तो ज्यादा होई ना, ते मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठ पईआं जाग गईआं, ते वेख्या बिस्तर ते टटोलिया हाथ मारिया, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नजर नहीं आए, आप अलैहि सलातो सलाम नहीं उस जगह ते मौजूद, ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु उठ के बह गईया, वेदियां ने पईया, नबी पाक नहीं पे नजर आंदे, ते जनाब दिल विच की सोचिया, दिल विच सोच दियां ने शायद नबी पाक रात दे इस वेले किसी होर बीवी कोल टुर पयो वण, होर किसी बीवी कोल चले गयो वण, ते नबी पाक अली सलातो सलाम उठ पईया, उठ के बह गईया, ते जदों उठ के बैठिया ना सामने महसूस होया नबी पाक नमाज पे पढ़दे ने, नबी पाक नमाज पे पढ़ते ने, ते नबी पाक ने नमाज मुकम्मल की, फरमाया आयशा की बने आए, खैर उठ के बह गई है, ते मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने कोई गल नहीं, फरमाया कोई ते गल होएगी ना, फरमाया महबूबा मेरे दिल विच गल आ गई, पता नहीं किसी होर बीवी कोल ना टुर पयो बण, किसी होर बीवी कोल ना टुर पयो बण, ते मेरे पैगंबर सलातो सलाम फरमांदे ने आयशा तू की समझनी है कि अल्लाह दे नबी तेरे नाल इंसाफ नहीं करते, अल्लाह दे नबी ते इंसाफ करने वाले ने, अल्लाह दा नबी इंसाफ करिया करदा है, पता लगा गलत फहमी बंदे दे दिल विच पैदा हो भी जाए ना, ते जिस बंदे दे बारे होवे ओदे नाल गल कर लेनी चाहीदी है। क्यों जी? सैयद आयशा नूं नबी पाक दे बारे गलत फहमी हो गई ना, ते गल कर लई, बीवी नूं को गल पता लगी है खामन दे बारे, ते गल कर लवे खामन नाल, जदों तक गल हो जाएगी मामला सुधर जाएगा, जे गल नहीं होएगी फिर यही निक्कियां निक्कियां गल्लां तलाक दा जरिया बन जांदियां, ए निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां रिश्ते तोड़न दा सबब बन जांदियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है, फरमाया इत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन्हुम इल्ला यखरुसून, अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगो ज्यादा गुमान ना करिया कर, ज्यादा सोचा ना सोचिया कर, गलत फहमियां दा शिकार ना होया कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
हजरत इमाम ज़ाही रहमतुल्लाह ताला ने वक्त ते बहुत बड़े इमाम सन ते जितने पढ़े लिखे सन इलम वाले सन उतना ज्यादा अमल भी करया करदे सन उतना ज्यादा अल्लाह दी इबादत भी करया करदे सन। लेकिन गलत फहमी एक इंज दी चीज है जड़ी बंदे नूं किसे गासे जोगा नहीं छड़दी। अगर किसी नेक बंदे दे बारे क्यों ना पैदा हो जाए इमाम ज़ाही रहमतुल्लाह ताला ले दे कमरे दे अंदर सुबह दा वक्त होया एक औरत आई उन्हां दी बीवी नूं मिलन वास्ते ते उन्हें आके लंघदियां लंघदियां जाए नमाज ते उहदा पैर आ गया जाए नमाज ते पैर आ गया ते कहन लगी भलीए लोके तू किवें दे काम करनी है इमाम ज़ाही इन्नियां इबादतां करन वाले ने लगता है तू अपने किसे बच्चे दे बारे गफलत बरती है। तेरे बच्चे ने तेरे खामद दे जाए नमाज ते पेशाब कर दिता गिला पिया महसूस हुंदा है। अल्लाह अकबर गलत फहमी पानी नूं भी पेशाब बना के पेश कर दिंदी है ते कहन लगियां इमाम साहब दी बीवी फरमांदियां ने ए पेशाब दा पानी नहीं बल्कि रात दा वेला हुंदा है। इमाम ज़ाही मुसल्ले ते खलो जांदे ने ते जदों सजदे विच बह के आंसू बहांदे ने ते मुसल्ला ही गिला हो जांदा है। ए आंसुआं दा पानी है ए रब दे खौफ नाल निकलिया होया पानी है अल्लाह दी मोहब्बत अंदर निकलिया होया पानी है अल्लाह दा तकवा इख्तियार करदियां होया निकलन वाला पानी है। ये पानी वो पानी है जेड़ा अल्लाह ताला ने अखां दे उत्ते नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह दे डर तो निकलन वाला एक आंसू निकल जाए अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर छड़दा है। पता लगा गलत फहमी जिहड़ी है वो आंसुआं दे कतरियां नूं पेशाब दा कतरा बना दिंदी है। किसे दे बारे गलत गुमान ना करिया कर अल्लाह अकबर अल्लाह रात दा वेला होए ते रब नूं मनाया कर अल्लाह अल्लाह आ जा बंदे आ रब नूं मना ले अल्लाह दे नाल प्यार पा ले आ जा बंदे आ रब नूं मना ले अल्लाह दे नाल प्यार पा ले कर ले तौबा कर ले तौबा एवें जिंदगी ना तू गाल रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल आ जा बंदे आ रब नूं मना ले अल्लाह दे नाल प्यार पा ले अल्लाह अकबर राती कर देंदा ए हनेरा फजरी कर देंदा ए सवेरा राती कर देंदा ए हनेरा फजरी कर देंदा ए सवेरा ए सब कम करदा ए मालिक मेरा अपनी कुदरत नाल रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल आ जा बंदे आ रब नूं मना ले अल्लाह दे नाल प्यार पा ले। अल्लाह अकबर निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां जनाब बन जांदियां ने सबब तलाकां दा निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां भरावां दी जुदाई दा सबब बन जांदियां ने निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां यारां दी जुदाई दा सबब बन जांदियां ने निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां मजबूर कर दिंदियां ने लोक किसी नेक मुत्तकी परहेजगार नूं विछोड़ दे कोई नहीं निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां इमाम ते मुक्तदी दे दरमियान नफरत दा बीज बन के ते दरख्त बन जांदियां ने निक्कियां निक्कियां गलत फहमियां इंसान दे वास्ते बड़ियां नुकसान दे बड़ियां बड़ियां जंगां दा सबब बन जांदियां ने गलत फहमियां। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी आप अलैहि सलातो सलाम दी बीवी ते साडी मां सैयदा जवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हां दे वालिद मोहतरम हारिस बिन अबी ज़र्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने आए यहूदियां दा सरदार या बंदा ते नबी पाक कोल आ गया ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने कहिंदे महबूबा असीं मैं कलमा पढ़ना चाहना मुसलमान होना चाहना मुसलमान हो गए कलमा पढ़ लिया ते नबी पाक फरमांदे ने आप नूं पुछण लगे महबूबा हुण केड़ा केड़ा काम करना पएगा आप फरमांदे
आंदे ने नमाज पढ़नी है जकात देनी है हज करना जे जनाब इस्तदा ते जो कह लगे महबूबा मैं ते मुसलमान हो गया वा हुण मैं जाना वा अपने इलाके दे अंदर मेरे इलाके दे अंदर मेरी बड़ी गल बनी जांदी है पहले मैं उन्हां नूं इस्लाम दी दावत देंगा अगर उन्हां मेरी गल मान ली ते ठीक है फिर मैं उन्हां नूं नमाज दा कहांगा ते जकात दा कहांगा ते मैं उन्हां कोलों जकात दा माल लैके ते जमा कर लवांगा फलानी तारीख नूं तुसीं बंदा कला दिया जे ओ बंदा के जकात दा माल लै जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन्होंने भेजा तो पिछे जनाब दिन आ गई तारीख आ गई टाइम आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन उकबा नूं बुलाया तो आप फरमाते ने ओ हारिस बिन अबी ज़रार दे इलाके दे अंदर चला जा तो उन्होंने कोलों ज़कात का माल लैके आ उन्होंने जिहड़ियां तारीखां दित्तियां सन वक्त दिता सी टाइम दिता सी वक्त आ गया है तो जनाब वलीद बिन उकबा तुर पे मेरे पैगंबर दा डरे ना तो सहाबी रसूल फरमाते ने मैं इनकार ना कर सकिया मैं तुर पिया टुरदियां टुरदियां मैं जा रहा ते रस्ते दे अंदर मेरे दिल विच ख्याल आया ऐ दिल विच गलतफहमी आ गई दिल विच ख्याल आया ओ जमाने जाहिलियत दे अंदर साडियां ते उन्हां दियां बड़ियां जंगां लगदियां सन ते मैं ते उन्हां दा बड़ा वड्डा दुश्मन सां उन्हां दा इक बंदा भी मेरे हथों कतल हो गया इंज ना होवे कि मैं उन्हां दे इलाके दे अंदर चला जावां ते उन्हां दा ओ बंदा जिहड़ा कतल होया है ओहदे वारिस मैनूं पहचान लैण ते कतल ही ना कर देण किते नवा मामला ना खड़ा हो जाए नवा मसला ना बन जाए फरमांदे ने मैं जांदियां जांदियां रस्ते दे अंदर मैनूं ख्याल आया ते मैं आखिया यार नहीं जाना चाहिदा वापस चलना वा हुण मैं वापस मुड़े आवां ते मेरे दिल अंदर ख्याल आया मैं नबी पाक नूं की आखांगा की जवाब दियांगा हुण निक्की जी गलत फहमी है वेखना उहदे नाल गुनाह दा दरखत लगन लगा है कहण लगे चलो मैं नबी पाक नाल गलत बयानी कर छड्डांगा अपनी ते जान बच जाएगी आ गए नबी पाक दे कोल ते आका फरमांदे ने वलीद की बन जाए गया नहीं सी तू उन्हां दे गा जनाब ज़कात लैण वास्ते ते कहिंदे ने महबूबा मैं गया सां उन्हां ज़कात दित्ती कोई नहीं उन्हां ज़कात देण तो इनकार कर दिता हत्ता के मेरी जान दे दुश्मन बन गए कतल करन दे डर ते आ गए ते नबी पाक अली सलातो सलाम बड़े परेशान होए आप दी बीवी भी बड़ा परेशान होई अब्बा जी इंज दे मिजाज दे है ते कोई नहीं अब्बा जी इंज दी सोच ते रखण वाले कोई नहीं उधरों जनाब वो सोचते ने पे नबी पाक नूं वक्त दिता सी टाइम दिता सी कि अपना कसद बविया दे ज़कात वास्ते ते नबी पाक कदे भी वादे दियां खिलाफियां नहीं करिया करदे नबी पाक कदी भी अपने वादे तो पिछे नहीं हटिया करदे मुमकिन है को मसला ना बन गया होवे कसद नहीं आया किते नबी पाक साडे तो नाराज ही ना हो गए होवन कोई इंज दी गल ना बनी होवे इलाके वालियां नूं इकट्ठा कर लिया ते की कहिंदे ने फरमांदे ने आओ ना सी आप ही नबी पाक कोल चलने आ ते जाके नाले ज़ियारतां कर लवांगे ते नाले नबी पाक नूं आखांगे महबूबा की मसला बणिया है तुहाडा कसद नहीं आया को भुल गया या परेशानियां नहीं नाराजगियां ने उधरों ना जनाब जनाब मुमकिन असलिया पकड़िया असलिहा लिया ते अपने बंदे तैयार किते ते पिंडों बाहर पे निकलदे ने इधरों जदों नबी पाक नूं खबर मिली ना उन्हां ज़कात देण तों इनकार कीता है जां मुमकिन मुर्तद हो गए ने मेरे पैगंबर ने खालिद बिन वलीद नूं बुलाया ते आका फरमांदे ने खालिद हुण नवीं जंग करनी है दस्ता तैयार कर लो इधरों जंग दियां तैयारियां लग पईआं इधरों लश्कर तैयार हो गया हुण लश्कर पिया जांदा है इन्हां दी जान तों पहलां पहलां ही हज़रत हारिस बिन अबी ज़रार आ के नबी पाक अली सलातो सलाम दे कोल पहुंच गए हुण जंग लग ओ ठहर जाओ को गल ते करन दिओ सानूं नबी पाक कोल जाण दिओ ठीक है तुसीं नबी पाक कोल आ जा हज़रत हारिस आए नबी पाक दी खिदमत दे अंदर फरमाया महबूब नबी पाक फरमांदे ने ओ ज़कातां नहीं देंदे ते कहिंदे ने जी तुहाडा को बंदा लैण वास्ते नहीं आया हज़रत वलीद बिन उकबा नूं बुलाया फरमाया मैं तुहानूं कलाया सी ज़कात दा माल लैण वास्ते तुसां आखिया ना दित्ती कोई नहीं ओ कहिंदे तुसां पहुंचे कोई नहीं दसो ना की मामला बण जाए इत्थे ते दोवें लश्कर आमने सामने खलोते ने हुणे आवाज़ आंदी है ते जंग लग जाएगी ते हज़रत वलीद बिन उकबा फरमांदे ने महबूबा मैं चला सां मेरे को इनकार ना होया तुहाडी गल दा
ते मैं दिल विच सोचिया कि मेरे कोलों उन्हां दा इक बंदा मर जाए, इंजना होवे मैनू ही कतल कर दिता जाए। ते मेरे ज़ेहन ने झूठ बोलन ते मजबूर कर दिता, मैं गया ही कोई नहीं ते तुहाडे नाल ला के मैं गलत कलामियां कीतियां। मेरे पैगंबर दा चेहरा गुस्से नाल लाल हो गया, की वजह बनी है? निक्की जी गलत फहमी है ते जंग लगन लगी है, निक्की जी गलत फहमी है ते लड़ाई होन लगी है, निक्की जी गलत फहमी है ते कतलो गारत होन लगी है, निक्की जी गलत फहमी है ते बंदियां दियां लाशां विच जानियां ने। मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम खड़े होए, की मामला है? हाँ जी मैं माफी मंगना वा, गलतियां हो गईयां ने। हजरत हारिस बिन अबी ज़रार फरमांदे ने, महबूबा हाँ असी मनने आ, वलीद बिन उकबा कोलों साडा इक बंदा कतल होया सी दौरे जाहिलियत दे अंदर, लेकिन चूंकि असी भी मुसलमान हो गए हां ते भी साडा मुसलमान भरा है, असां इहनूं कतल माफ कर दिता है। आंदा ते सही साडे कोल ज़कात लैण वास्ते असी इज्जतां किनियां कर दे, असी लाह विच पलकां बिछा दिंदे कि नबी पाक दा कसद आया है, असी ते फुल सुटदे कि नबी पाक दा कसद आया है, लेकिन अपने दिल विच ही गलत फहमियां जो पै गईयां। हजरत वलीद बिन उकबा फरमांदे ने, महबूबा मैनूं माफ कर दिओ, ओए तुसीं भी मैनूं माफ कर दिओ। हजरत हारिस बिन अबी ज़रार फरमांदे ने, ठीक है मैं तुहानूं माफ कीता। उधरों गल्लां हो गईयां, बैठे गुफ्तगू होई, लेकिन जनाब कायनात दे रब ने कुरान पिया नाज़िल हुंदा है, फरमाया या फासिकुम बिनबैन फतबयनो अन तुसीबु कौमन मिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। नोई निक्की जी गलत फहमी हो गई ते कतल होने लगे सन के कोई ना। फिर अल्लाह ने कुरान पाक की आयत बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक उस वक्त नाजल फरमाई कि जो थोड़े तक वो गल पहुँच जाए तो पहले डांगा नहीं चुकनिया, पहले गल पुछ भी लिया करो, हो ही भी है कि कोई ना, हो सकता कल्ला ही बंदा आवे पूरे दो खानदानों को लड़ाने वाला, कल्ला ही बंदा आवे दो भरावां की जुदाई का सबब बनने वाला, किसी नूं वारा ना खांदी होवे यारी दोस्ती, किसी नूं वारा ना खांदा होवे चंगा इमाम ते चंगा खतीब, ते लोकां नूं कहिंदा फिर इंज भी करदा, इंज भी करदा, इंज भी करदा, फितना बरबर भी ते वेची है ना, चुगलियां करन वाले भी ते वेची ने, गीबतां करन वाले भी वेची ने, लोकां नूं भड़कान वाले भी वेची ने। आए फलानी गल जिहड़ी मौलवी ने अज कीती है ना, वो तेरे खिलाफ कीती है, मौलवी नूं पता ही नहीं होता, ना ओदा मौलवी नूं पता ना मौलवी नूं ओदा पता, फलानी गल तेरे खिलाफ कीती जो मौलवी ने, ओ नफरत दा बीज पै गया, ओ एक बंदा मुतनफर होया, दो होए, तीन होए, चार होए, ओ कल नूं जमात सारी मुतनफर हो, हां जी भारी ए ते गल्लां ए ते सानूं सानूं साडा नां दा पता नहीं। जदों किसी दे दिल अंदर गल ही कोई नहीं, तू क्यों शैतान दा डाकिया बणिया है, फलाने ने इंज करता, फलाने ने इंज करता, फलाने ने इंज करता, गलत फहमिया के पूरे पूरे चैप्टर मौजूद ने। तुहानू मौलवी बारे कोई गल पता लग गई, जाके पुछ लो, मौलवी गूंगा जवाब दे देगा तुहाडी गल नूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह ताला दा कुरान है, फरमाया वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, बोते गुमान ना करया कर, गलत फहमियां ना पालिया कर, गलत गल्लां ना करया कर, गलत फहमियां ते यकीन ना करया कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं मुहब्बत दी बोली बोलिया करना, ओ दिल जान जान जी दे ना लौना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है, ओ दिल जान जी दे ना लौना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है, इंज रखे आ रब ने ना चुन के
पे अकंब दबरा कवि ना सुन के ओ देवर दबला कोई ओ नाए ओ नाम मोहम्मद सोनाए दिल जान जिदे ना लो नाए ओ नाम मोहम्मद सोनाए की बैस पे कर दे शाना ते ओनु रब ने सदे आसमाना ते की बैस पे कर दे शाना ते ओनु सदे आ रब आसमाना ते जेड़ा फलका दा बने परौनाए ओदा नाम मोहम्मद सोनाए जिंद जान जिंदे नालौनाए ओदा नाम मोहम्मद सोनाए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार भी हो आपस दी हमदर्द गलत फहमियां नहीं होनिया चाहिदियां मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम आप दा यार आप दा बेली सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी है सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ते सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे खामद फौत हो गए ते हजरत उमर ने इद्दत इंतजार किया इद्दत दा जनाब दिन मुकम्मल होए हुण दिल विच सोचदे ने मैं अपनी बेटी दा रिश्ता करना ते किथे करना चाहिदा है यारां नूं फिर यार ही नजर आंदे ने ना हजरत उमर दे दिल अंदर गल आई फरमांदे ने मैं उस्मान कोल जाना वा ते हजरत उस्मान नूं कहना मेरी बेटी नाल निकाह कर लो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला खुद कोल आ गए हजरत उमर ते आके फरमांदे ने तुहानूं ते पता ही है कि हजरत सैयदा हफ्सा मेरी बेटी हफ्सा दा खावन फौत हो गया ते इद्दत भी मुकम्मल हो गई है हुण मैं अपनी बेटी दा अगे निकाह करना चाहना वा ते मैं कहना वा तुसी तुहाडे नालों चंगा बंदा मेरी नजर अंदर कोई नहीं तुसी बड़े पाक बाद बाहया बंदे हो ते मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहना अपनी बेटी दा ते हजरत उस्मान फरमांदे ने ठहर जाओ मैनूं थोड़े दिन दा वक्त मिल जाए ते मैं सोच विचार कर लवां थोड़े दिन मिल गए तीन चार दिन दा जदा वक्फा गुजरिया ते हजरत उस्मान फरमांदे ने नहीं मैं नहीं तुहाडी बेटी नाल मैं नहीं निकाह करना चाहता मैनूं जरूरत नहीं मैं जरूरत नहीं महसूस करता अल्लाहू अकबर फरमांदे ने इनकार हो गया उधरों इनकार हो गया ते मेरी नजर अबू बकर ते पै गई ते मैं आखिया अबू बकर नाल गल करना वा अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर करनगे मेरी बेटी नाल शादी ते निकाह करनगे अल्लाहू अकबर अल्लाह फरमांदे ने मैं अबू बकर कोल आ गया ते मैं आके आखिया तुहानूं इलम है कि मेरी बेटी अफसा खामद फोत हो गया तो इज्जत भी मुक गई है ते मैं चाहना वा तुसी मेरी बेटी ना निकाह कर लो तुसी मेरी बेटी ना निकाह कर लो ते हजरत अबू बकर खामोश हो गए हाँ भी नहीं कीती ना भी नहीं कीती जवाब कोई नहीं दिता अच्छा ठीक है चुप कर गए हजरत अबू बकर हजरत उमर फरमांदे ने एक दिन लंघिया दो दिन लंघे मेरे दिल अंदर जनाब गलत फहमियां आ गई मैं आख्या चलो उस्मान ने ते चंगा किया है उन्हें मैंने डायरेक्ट ही ना कर दी को गल कीती है ना यारे किंज दा यार मेरा अबू बकर इन्हें गल ही कोई नहीं कीती मेरी गल ही टाल गया गल ही मरोड़ गया गल ही मुका गया कुछ हां करदा कुछ ना करदा कुछ समझ ते आंदी हदीस दे अल्फाज मौजूद ने हजरत उमर फरमांदे ने मैनू उस्मान ते इन्ना दुख नहीं होया जिन्ना दुख मैनू अबू बकर ते होया है जिन्ना दुख मैनू अबू बकर दे बारे होया यार इन्हें चंगियां नहीं कीतियां मेरी बेटी दे बारे जिहदी गल ही कोई नहीं कीती को गल ते कर छड्डदा अल्लाहु अकबर फरमांदे ने एक अद्धा दिन और गुजरिया दो दिन और गुजरे ते मेरी बेटी दे निकाह वास्ते नबी पाक दा पैगाम आया मेरी बेटी वास्ते नबी पाक अली सलातो सलाम दे निकाह दा पैगाम आया आप फरमांदे ने मैं करना चाहना शादी मैं करांगा शादी तेरी बेटी अफसा नाल अल्लाहु अकबर निकाह हो गया ते बेली बेली आपस अंदर मिले हजरत अबू बकर ने चेहरा पहचान लिया हजरत उमर दा जदों दिल विच गलतफहमी होए ना ते बड़ियां बड़ियां यारियां विच दरार आ जांदी है बड़े बड़े रिश्तियां विच दरार आ जांदी है बड़े बड़े ताल्लुक मिंट नहीं लगदा खत्म हो जांदे ने हजरत अबू बकर फरमांदे ने नाराज हो मेरे नाल
हाँ मैं नाराज हाँ मैं पता है तुसी क्यों नाराज हो तुसा मैनु आखिया अपनी बेटी दे रिश्तेदार ते मैं गल ही कोई नहीं की हाँ गल ते कोई कर जाना यार यार जो हजरत अबू बकर फरमाते ने मेरे तुहाडे मैनू पुछन तो पहले तुसा मैनू पुछया उस तो पहले ही नबी पाक ने मैनू बुलाया ते आप फरमाते ने मैं अफसाना निकाह करना चाहना फरमाते ने मैनू नबी पाक ने राजदान बनाया राजदान बनाया ते मैं वो राज नहीं सन दसना चाहता राज नहीं सन दसना चाहता राजदान अबू बकर मेरे पैगंबर दा यारे गार मेरे पैगंबर दा यारे मदार मेरे पैगंबर दा फरमाते ने मैनू नबी पाक ने अपना राज दसिया फरमाया एदी इद्दत अफसा दी मुकेगी ना ते मैं उमर नू कहांगा मेरे नाल निकाह कर दे पता लगा गलत फहमियां मुक गईयां ते जफियां पै गईयां ते रिश्ता दोबारा टुर पिया निकियां निकियां जियां गल्लां बड़े बड़े वड्डे काम कर जांदियां ने निकियां निकियां जियां गल्लां अल्लाहु अकबर अल्लाह ओए मोहम्मद दी सारी जमात प्यारी मोहम्मद दी सारी जमात प्यारी बता इंतिशारी तुझे वैर क्यों है नबी पाक दे यार ने ऊंच नीच भी बेची है सुला भी बेची है यारी भी बेची है नबी पाक राजी ने आपस राजी ने इंतजार फैलाने वाला कहता उन्हें ओदे नाल लड़िया ओदे नाल लड़िया ओदे नाल लड़िया और तेनों कादियां तकलीफा ने मोहम्मद दी सारी जमात प्यारी बता इंतजारी तुझे वैर क्यों है जिन्होंने खुदा की मेरे मुस्तफा की है की ताबेदारी तुझे वैन क्यों है अल्लाह ते अबू बकर सईदा है पहला खलीफा सदाकत का पैकर वफा का सहीफा अबू बकर दे मन नाले हो बोलो की हो गया आज मेरे नाल बात तुसी सुते हो नींद मेरी नहीं पूरी हुई मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह अल्लाह अबू बकर सईदा है पहला खलीफा सदाकत का पैकर वफा का सलीका नबी का मुसल्ला गैरतमंद बोलेगा वे नबी का मुसल्ला जिसे दे दे अल्लाह नबी का मुसल्ला जिसे दे दे अल्लाह कुफर की बीमारी तुझे वैर क्यों है नबी का मुसल्ला जिसे दे दे अल्लाह शैतान के पुजारी तुझे वैर क्यों है मोहम्मद दी सारी जमात प्यारी बता इंतिशारी तुझे वैर क्यों है मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना ए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है फरमाया बमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला जन्ना फरमाया ज्यादा गुमान ना करया कर गलत फहमियां ना करया कर ते जिदे दिल विच गलत फहमी पैदा हो जाए ना ते फिर उगल देवे राज उगले तुम तां लगावे इल्जाम लगावे फलाना बंदा तेंज दै ते फलाना बंदा तेंज दै ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान दस दै फरमाया जिहड़ा किसे पाक बाद बंदे ते तुमत लगांदा है तुमत लगदी उदो है जो बंदे दे दिल विच कौड़ मौजूद होवे दिल विच कौड़ उदो आंदा जो गलत फहमी पै जाए है वेखना गलत फहमी विच रहण वाला बंदा जो किसे इल्जाम लगांदा तुमत लगांदा है अल्लाह दा कुरान कहिंदा है पहले गवाह पेश करे अगर उहदे कोल गवाह नहीं दित्ते जांदे लम्मियां पालो चौक विच ते कोड़े मारो गल क्यों कीती खाला जी दा वाड़ा जी दे मर्दी मारे मुंह चुक के गल करी जाओ फलाना इंजदा ते फलाना इंजदा फरमाया इनू लम्मियां पाओ कोड़े मारो
जानी की सजा है कोड़े या रजम है। अल्लाह फरमाते ने जानी जानी ने जिना किया हो एक बारा बंदा हो सौ कोड़े मारे जान गुनाह माफ है गुनाह माफ है। किसी भी अदालत में जाके गवाही दे सकता है चोरी करे हाथ वड़िया जाए गुनाह माफ है गवाही दे सकता है। ते जेड़े बंदे ने किसे मुसलमान भरा ते तोहमत लाई होवे पहले तेनू कोड़े मारो सारी जिंदगी वास्ते बैन कर दियो किसे दे बारे गवाही नहीं कबूल की जाएगी। इन्हें जुबान पलीत कर ली अपनी जुबान पलीत कर लई है जुबान किसे दे हक विच गवाही देवे ते गवाही मननी एक गवाही नहीं पेश हो सकता। एडा गंदा बंदा जिहड़ा लोगों के बारे गल्लां करी फिरदा अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे और दूसरों के पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जब दुनिया तो गए तो सहाबा किराम बड़े परेशान ने हर बंदे नु अपना अपना गम है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नाल मोहब्बत भी उन्हां दी अपनी हजरत उस्मान मस्जिद के अंदर बैठे ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए लंघदे ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान दे कोलो जवाब नहीं दिता हजरत अबू बकर कोल आ गए आके कहते ने वेखो ना बेवफाइया उस्मान दियां की बनिया है मैं सलाम किया है जवाब ही कोई नहीं सो दिता जवाब तो देना चाहिए सी ना गल तो करनी चाहिए जवाब क्यों नहीं दिता उमर ने तुहानू सलाम किया जवाब नहीं दिता उस्मान फरमाते ने मैं अल्लाह की कसम चुग के कहना मां मैनू उमर दे सलाम का पता ही कोई नहीं लगा मैनू उमर दे सलाम दियां वादे कोई नहीं आईया फरमाया तुसी कित्थे खुबे हो फरमाया मैनू नबी पाक याद पे आंदे सन मैं नबी पाक नू याद पिया कर हां उमर लंघिया होएगा मैनू सलाम कीती होएगी पर मैनू सलाम ना सुन सकी। हजरात मोहतरम किसे बंदे दे हालात कुछ भी हो सकते ने कोई बंदा अंदरों किन्ना भी टुटिया हो सकता है कोई बंदा दिलों किन्ना भी परेशान हो सकता है एवें ना किसे दे बारे गल्लां करी जाया कर एवें ना लोगों दियां इज्जतां उछालिया कर एवें ना अपनियां जुबानां गंदियां करिया करो। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह आ हुन रब दे दर ते सर नो झुका पीछे कम नहीं आनी तेरी इल्तिजा आ हुन रब दे दर ते ना दुनिया नो समझी हमेशा दमेला ए जिंदगी है जन्नत कमावण दवेला ना दुनिया नो समझी हमेशा दमेला ए जिंदगी है जन्नत कमावण दवेला ए अनमोल वेला एवें ना लगा पीछे कम नहीं आनी तेरी इल्तिजा रब दे दर ते ए बंगले जमीना ते गड्डियां ना खोसन ते जेबां कफन नाल लगियां ना होसन ते जेबां कफन नाल लगियां ना होसन तेरे बैंक बैलेंस ना कर सन वफा पीछे कम नहीं आनी तेरी इल्तिजा हुन रब दे दर ते मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्न बअज़
الإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر الامر.